बांके बिहारी जी की जय। जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम आता है हम सब वृंदावन चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बांके बिहारी जी का मंदिर कब बना, भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाता है, बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई, बांके बिहारी जी के मंदिर का रहस्य क्या है, बांके बिहारी जी नाम कैसे पड़ा और बांके बिहारी जी की कथा। बांके बिहारी जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है, जो स्वामी हरिदास ने इनका निर्माण कराया था 1864 में। फिर आप जब भी बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो आप सब देखते होंगे कि बार बार पुजारी थोड़े थोड़े अंतराल पर पर्दा करते हैं। तो उसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया था। उसने दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसीलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी को जब यह पता लगा तो वह उनके पीछे पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डालते रहते हैं ताकि कोई निरंतर उनको ना देख सके। बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं श्री हरदास जी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के काले रंग की मूर्ति है जो श्री हरदास जी ने खोजी थी। मान्यता है इस मूर्ति में राधा जी का और कृष्ण जी दोनों की ही छवि है, इसीलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करता है उनका जीवन सफल हो जाता है। बांके बिहारी मंदिर का क्या रहस्य है? यहाँ पर हर मार्गशीर्ष की पंचम तिथि को बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी के प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बांके बिहारी जी नाम कैसे पड़ा? श्री हरदास जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे और निधि वन में बैठकर राधा कृष्ण के गानों एवं भजनों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। उनके संगीतमय भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते और उन्हें कई बार उनके सामने आकर दर्शन देते। हरदास जी के शिष्यों ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपया कर हमें भी दर्शन का लाभ दें। हरिदास जी इसके बाद जब फिर से भक्ति में लीन हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी से प्रार्थना की कि वो उनके शिष्यों को भी दर्शन दें। तब श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। जब हरिदास जी ने बोला कि वह उनको तो लंगोट पहना कर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा जी एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने उनका नाम बांके बिहारी रख दिया। एक स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया। वह दोनों वृंदावन पहुंचकर और बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन करने को तैयार हुए। थोड़े दिन वे लोग वहां पर रुके और बांके बिहारी जी के दर्शन किए। स्त्री के पति ने उसको वापस घर जाने के लिए कहा, तब उस स्त्री ने बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि वो हमेशा उनके साथ ही रहें। फिर दोनों घरों को जाने के लिए निकल गए। वह दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे, तभी बांके बिहारी जी बलराम रूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस तरफ मंदिर के पुजारी ने मंदिर से बांके बिहारी जी को गायब देखा तो वह श्री कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम प्रभाव को समझ गए। तुरंत ही वह घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बालक रूप बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक वहां से गायब हो गए और पुजारी ने वापस आकर मंदिर में देखा तो भगवान वहीं पर थे। फिर भगवान के दर्शन किए
ऐसी घटना होने से पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बांके बिहारी जी के चरणों में अपना जीवन अर्पण किया। जय हो बांके बिहारी। दोस्तों, शंखनादर डिवोशनल पे आपको ऐसी भक्तिपूर्ण और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं हमेशा मिलती रहेंगी। कृपया कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।